नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। रात्रि में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी कि नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन आ गया है, NVS का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट्स आप लोगों के लिए हैं। कुछ लोग प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, कुछ PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट हैं और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट हैं। कुछ और भी आपके जैसे योगा की फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, मिसलेनियस कुछ पोस्ट्स हैं और कंप्यूटर टीचर के लिए अलग से पोस्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ अलग अलग जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में भाषाएं चुनी जाती हैं उनके लिए अलग से TGT की पोस्ट है। तो इस तरह से बहुत सारी आप लोगों को वैकेंसीज आपके लिए हैं। TGT PGT की वैकेंसी अगर आप लोग देखना चाहते हो कि इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हो कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, कितनी कितनी सीट हैं, उसके लिए हमने रात एक सेशन किया था, वो देखिएगा। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक अभी इस सेशन का है वो है कि आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए इसने जो दिया हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक मोटा मोटा सांकड़ा बता देता हूँ, जो प्रिंसिपल की है वो लगभग लगभग 12-13 वैकेंसी हैं। और आपको मैं एक बार ऐसा हो सकता है आपको कि मेरे वीडियो के कारण से आपको ठीक से ना दिख रहा हो, तो मैं अपनी वीडियो को हाइड करके आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को जो PGT की वैकेंसीज हैं वो लगभग जो है 400 से अधिक वैकेंसीज हैं, और इसी में आप लोगों के लिए 185 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो मिसलेनियस कैटेगरी वाली हैं। म्यूजिक की है, आर्ट की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल अलग अलग है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसी के साथ साथ आपके लिए जो TGTs जो हैं, जो थर्ड लैंग्वेज वाले आपको चुने जाते हैं, 350 के आसपास वैकेंसी लगभग ये हैं थर्ड लैंग्वेज में। आप अपनी अलग अलग लैंग्वेज इनमें से चुन सकते हैं, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। और जो TGT की वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं वो हैं लगभग 700 के आसपास वैकेंसीज आपके लिए हैं, जिसमें TGT लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ करके इन सब की वैकेंसीज हैं। कौन भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, ये मैंने कल आप लोगों के साथ चर्चा की थी। हम लोग बात कर लेते हैं अभी के आपकी इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एक तो आप लोगों को इसमें अपने अपने विषय का कोड देख लेना है। इसमें कोड दिया हुआ है, PGT का कोड दिया हुआ है, TGT का कोड दिया है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। जिस कोड से आप लोगों को भरना है वो कोड देख लेना है। इसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, मैं उस पर बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वालिफिकेशन वगैरह पर हम लोग रात बात कर चुके हैं, आप लोगों को वो सेशन एक बार अवश्य देखना चाहिए, तो और उसके बाद आवेदन करना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न पर मैं आपके से बात करता हूं, तो ₹2000 तो पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल के लिए ₹2000 फीस है, PGT के लिए ₹1800 फीस है, और इसी के साथ TGT के लिए जो है ₹1500 फीस इसकी है। तो फीस तो ठीक ठाक रखी है इसमें, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। TGT के लिए पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो TGT के आवेदन करने के लिए तैयार होंगे। तो TGT का आवेदन करने के लिए लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs, TGT और मिसलेनियस TGTs जो हैं उनकी पोस्ट के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है बता रहे हैं कि जनरल एक एग्ज़ाम होगा आप लोगों का पहले, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, पहले एग्ज़ाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। देखो दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ इसके लिए पहले एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा। तो इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न ये है कि आपका 10 नंबर का एक जनरल अवेयर, जो आपके टोटल प्रश्न होंगे वो होंगे, इसमें दिया हुआ है 120 और 30, 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर का होगा। तो 150 प्रश्नों में मैं इसको जो है जूम कर लेता हूँ एक बार, अब थोड़ा सा आप लोगों को ठीक दिखेगा ये।
150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्नों में से आपका 130 नंबर जो है वो लैंग्वेज वाले होंगे। लैंग्वेज वाले का मतलब ये है कि, और ये कह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज में लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश को मिला करके आप लोगों का 30 नंबर का लैंग्वेज वाला भाग आएगा। और इसमें से आप लोगों को कह रहे हैं कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, आपको जो है केवल इसको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर के बिहाफ पर आप लोगों को मेरिट नहीं बनाएंगे। मेरिट तो 120 नंबर के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को इसको पास करना अनिवार्य होगा, 30 नंबर वाला लैंग्वेज वाला जो भाग है। और दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। 40-40% का मतलब ये हुआ कि 12-12 नंबर जो हैं आप लोगों को, 40% नहीं, 6-6 नंबर जो है आप लोगों को दोनों में 40-40% नंबर लाने होंगे, चाहे 6 नंबर हिंदी में 6 नंबर अंग्रेजी में, इतने नंबर आप लोगों के इसमें होने चाहिए कम से कम। उसके बाद आप लोग अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका ये 5 भाग जो है इसके ये चेक होंगे। अब जो 1 से लेके 5 तक का जो पार्ट है उसमें बता रहे हैं, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का 10 प्रश्न होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी जो है उसके 10 नंबर का होगा, 10 नंबर की आपको टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा, 80 नंबर का उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जिसमें आप लोगों को आवेदन करना है। इसका सिलेबस पूरा का पूरा आप लोगों को हम लोग जल्दी उपलब्ध करा देंगे, वेबसाइट पर भी इसकी आपको हमारी वेबसाइट पर दिखेगा ये वाला। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। ये बात हुई TGT को लेकर के। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, देखो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/4 मार्क्स। मतलब ये है कि आपके 0.25% नंबर जो हैं या 0.25 नंबर जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, 0.25 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप किसी का गलत आंसर करते हैं। 2 से 22 जुलाई तक आवेदन करना है, 2 से 22 जुलाई तक ही आप लोगों को फीस सबमिट करनी है। तो ये तो हो गया है आप लोगों को। और ये तो TGT की बात हुई है, PGT की बात करते हैं तो PGT में भी आप लोगों को यही कहा गया है PGT के लिए कि आपका 130 नंबर का पेपर जो है वो आपके 5 भाग वाला होगा और लैंग्वेज वाला जो है वो 20 नंबर का होगा। ये भी आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए। तो 20 नंबर आएंगे, 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स का होगा ये वाला। इसमें भी आप लोगों को 40% अलग अलग लाने होंगे। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप लोग जो है आपका ये बाकी 5 पार्ट चेक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जनरल अवेयरनेस होगी 10 नंबर की, वही 20 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी है, वहाँ 10 नंबर की थी TGT में, यहाँ 20 नंबर का कर दिया गया इसको। ICT की नॉलेज जो है आप लोगों को 10 की है और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है जिस सब्जेक्ट में आप लोग इसके लिए आवेदन करोगे। यही 3 घंटे का होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 जो है नंबर आपका इसमें भी कट जाएगा। और रही बात प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल वाला जो आपका एग्जाम होगा वो 150 आपके प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर का होगा, 3 घंटे के लिए ही होगा। उसमें आप लोगों को रीजनिंग, जो लोग प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे, रीजनिंग 10 प्रश्न 10 नंबर का, 20 नंबर का जो है 20 प्रश्न होंगे जनरल अवेयरनेस के, 20 प्रश्न होंगे लैंग्वेज वाले आप लोगों को, 10-10 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी का अलग अलग आएगा, 50 नंबर आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो आप लोगों का विषय होगा उससे पूछे जाएंगे, 50 नंबर का एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस से आप लोगों को पूछा जाएगा प्रिंसिपल को, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है तो इससे पूछा जाएगा। तो बस आप लोगों को अब बिना देर किए अपनी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो Adda 24/7 के साथ बने रहिएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम 3 घंटे का होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग है, सीटेट वाले आवेदन कर पाएंगे, सीटेट नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे आप लोग TGT के लिए, ठीक है। और आप लोगों को जिसने अभी अपियरिंग जो लोग हैं, अपियरिंग लोग भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनको कट ऑफ डेट से पहले पहले अपना एग्जाम पास करना होगा। जो भी उनकी अर्हता है वो अर्हता एग्जाम डेट से पहले पहले उनको, वो एग्जाम डेट से नहीं, कट ऑफ डेट से पहले पहले आपको करनी होगी। एग्जाम आपका बहुत सारे शहरों में होगा, ये सब बातें जानकारी बाकी आपको रात्रि में हमने दे ही दी थी। तो चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आप लोगों को। कोई भी प्रश्न हो आपका आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें छोड़ सकते हैं और अपने TGT PGT के लिए शीघ्रता से आवेदन कर दीजिएगा।